अगर आपको भी ऐसे ही गणेश जी की अच्छे वाली वीडियो बनानी है या व्हाट्सएप स्टेटस बनाना है तो मेरी वीडियो को एंड तक देखना और ध्यान से देखना। आज मैं आपको इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, पहले आपको एक काइंड मास्टर ऐप डाउनलोड कर लेना है, फिर उसको ओपन करना है। जब दोस्तों आप उसको ओपन कर लोगे तो आपको प्लस का आइकन दिखाई देगा, जहाँ पर लिखा, जैसे ये लिखा क्रिएट न्यू, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको रेशियो दिखाई देगी, तो आपको 9.16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों आपको एक वॉलपेपर लेना है, जो कि आपने अपनी गैलरी में डाउनलोड कर रखा होगा या सेव कर रखा होगा। तो जैसे कि मैंने कर रखा है, तो मैंने एक वॉलपेपर ले लिया। फिर मैंने इसको पेन एंड जूम वाले ऑप्शन पे गया और इसको जूम कर लिया कुछ इस तरीके से। इसे जूम कर लिया, फिर मैंने इक्वल के निशान पे क्लिक कर दिया, फिर मैंने राइट के निशान पे दबा दिया। फिर मैं इसको 30 तक बढ़ा लूँगा, ये मैंने 30 तक कर दिया। 30 पे करने के बाद फिर राइट के निशान पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जब आप राइट के निशान पे क्लिक कर दोगे तो फिर आपको लेयर में जाना है, फिर मीडियम में जाना है। मीडियम में जाने के बाद आपको एक ग्रीन स्क्रीन टेम्पलेट या वीडियो इफेक्ट डाउनलोड कर लेनी होगी, फिर इसके ऊपर लगा देनी होगी। तो जैसे कि मैं अब लगाने वाला हूँ, मैंने कर रखी है, तो मैं फिर लगा दी मैंने इसे। इसको फुल स्क्रीन कर लेना है। फुल स्क्रीन करने के बाद राइट के निशान पर क्लिक करना है, फिर इसी वीडियो पे टच करना है और क्रोम के कर लेना है। क्रोम के करने के बाद राइट के इनेबल पे निशान क्लिक करना है, फिर राइट के निशान पर क्लिक करना है। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह हो जाएगी, देख रहे हैं दोस्तों। इस तरह हो जाने के बाद फिर आपको एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो लेनी है, जो कि इसी के ऊपर लगेगी, ठीक है। तो मैं लायर में जाने के बाद मीडियम में जाऊंगा और एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो ले लूँगा। तो मैंने जैसे कि ये ले ली, फिर इसको फुल स्क्रीन कर देना है ऐसी, फिर उसी की तरह स्क्रीन करने के बाद एक्सपोर्ट नहीं करना, वो सॉरी गलती से हो गया। तो इसी वीडियो पर क्लिक करना है और ब्लेंडिंग पर जाना है। ब्लेंडिंग पर जाने के बाद आपको स्क्रीन पर के ऑप्शन पर क्लिक करना है कुछ इस तरह। तो फिर राइट निशान पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर इस वीडियो पर क्लिक करके यहाँ 3 डॉट पे जाना है और सेंड टू बैकवर्ड पर क्लिक कर देना है। फिर आपको इसे राइट निशान पर क्लिक करना है और इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं थोड़ा ही करके दिखा रहा हूँ आपको। ये एक्सपोर्ट हो रहा है, बस कुछ ही मिनटों में होने वाला है बस। ये एक्सपोर्ट हो रहा है, बस होने वाला है। जितने ये एक्सपोर्ट हुआ था दोस्तों, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करना मत भूलिए। घंटे पे क्लिक करके बेल बजा दे, जिससे कि और ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, जिससे कि मेरी हर न्यू वीडियो आपको पता चलती रहे। तो जैसे कि दोस्तों ये बस होने वाला है एक्सपोर्ट। ये होने वाला है बस, आप टेंशन मत लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे से अच्छे गणेश जी की वीडियो वाले स्टेटस बनाने आ जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है और मैं दावा करता हूँ कि आपको आ जाएंगे।
दोस्तों जैसे कि ये एक्सपोर्ट हो चुके हैं, तो हमें फिर बैक, हमें इस पर मतलब बैक कर लेना है। बैक करने के बाद फिर से हमें वही प्रोसेस करना है, लेकिन कुछ अलग होगा। फिर हमें 9.16 का रेशो सेलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट में नेक्स्ट कर देना है। फिर आपको फिर से एक स्क्रीन शॉट मतलब यानी कि आपको एक वॉलपेपर ले लेना है, जैसे कि मैंने ले चुका हूँ। तो इसको 30 तक बढ़ा देना है। 30 तक करने के बाद आपको जूम पैन एंड जूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको जूम कर लेना है कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैंने जूम कर लिया है। उसे इक्वल वाले इक्वल कर देना है और फिर राइट निशान दबा देना है। तो फिर आपको जो एक्सपोर्ट की वीडियो थी वो इसी के ऊपर लानी है इस तरीके से। लाने के बाद इसको फुल स्क्रीन कर लेना है। फिर आपको फुल स्क्रीन करने के बाद इस पर ही टच करना है इसी वीडियो पर, और आपको क्रोम के कर देना है। क्रोम के पे निशान पे जाके फिर इनेबल कर देना है और राइट का निशान दबा देना है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, देख रहे हैं आप, बहुत ही अच्छी क्रिएटिव होने वाली है ये वीडियो। ऐसा करने के बाद फिर आपको लायर पर जाने के बाद फिर मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद फिर एक मतलब कलरफुल लाइट इफ़ेक्ट ले लेना है, जैसे कि ये। मैं इसको फुल स्क्रीन नहीं करने का, नहीं मैं बैक आता हूँ। फिर लायर पर जाना है, मीडिया के निशान पर जाना है और हाँ ये बॉर्डर ले लेना है। बॉर्डर पर फिर फुल स्क्रीन कर लेना है और राइट के निशान पर क्लिक कर देना है। इसे 30 तक ही बढ़ा देना है बॉर्डर को। मैं इन चीज़ों का मतलब बॉर्डर का और इफेक्ट लाइट का काइनमास्टर ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। फिर इसी पर टच करने के बाद फिर ब्लेंडिंग में जाना है। ब्लेंडिंग में जाने के बाद फिर स्क्रीन पर जाना है और ये कुछ ये इस तरीक़े से हो जाएगा। फिर आपको लायर में जाना है, मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद फिर आपको एक वीडियो मतलब इफ़ेक्ट कलरफुल लाइट इफ़ेक्ट वीडियो डाउनलोड करनी होगी, जो इसके ऊपर लगानी है, जैसे कि मैंने लगा रखी है। फिर इसको फुल स्क्रीन कर देना है, जैसे कि मैंने फुल स्क्रीन कर दिए। और फिर इस पर टच करना है और फिर से ब्लेंडिंग में जाना है। ब्लेंडिंग में जाने के बाद फिर इसको स्क्रीन पर क्लिक करना है और राइट के निशान पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। बस अब इसमें सॉन्ग लगाना रह गया है। तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, लायर पर जाना है और मीडिया के ऑप्शन पर जाना है और एक लायरिक्स सॉन्ग वीडियो ले लेनी है, जैसे कि मेरे पास है। तो मैंने ये ले ली और मैं इसको थोड़ा सा वो करके लगा देता हूँ यहाँ पर से। और फिर मुझे ब्लेंडिंग में जाना है। इसे लगाने के बाद ब्लेंडिंग में जाना है और स्क्रीन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और राइट के निशान पे क्लिक कर देना है। दोस्तों ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो अब क्रिएट हो चुकी है और मैं अब आपको बजा के दिखाने मतलब चला के दिखाने वाला हूँ कि कैसी बनी है। तो दोस्तों देखिए, दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों। और मैं आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लेके आने वाला हूँ नहीं, तो प्लीज़ घंटी के बटन को दबाए रखना, जिससे कि ऑल पे दबाना, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो का पता चल जाए। थैंक यू दोस्तों।